आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि मोदी ने अगर कोई ठीक है काम ठीक किया वो ये किया कि जाकिर नाइक को इंडिया से निकाला है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? तो अब देखिए, एक उनका बयान था कि अगर 112 साल का बंदा हो तो मेरी बेटी अगर 13 साल की है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा उसकी शादी उससे करने पे, अगर वो बंदा नेक है, परहेजगार है और मेरी बेटी को जन्नत ले जा सकता है। और वो इतनी हॉलो पर्सनैलिटी निकला है कि सर्टनली उसका जो इमेज, देखें दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब वो यहाँ पहुंचे हैं और उसके हमने देखा है तो वो तो बहुत ही लो बिलो एवरेज आदमी। हाथ जोड़ती हूँ आज, इल्जाम लगाने बंद कर दे। लेकिन जो फर्क नजर आ रहा है वो बड़ा है कि रात को दिन और दिन को रात बना दे। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे बताएं, औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आपके सामने इधर आके? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? तो जाकिर नाइक साहब के जो जवाब होते हैं उनमें काफी एरोगेंस आपको नजर आती है, और वो जो कहते हैं ना मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, स्कॉलर वाली डेप्थ जो है ना वो उनमें नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि काफी एक्सपोज हुए वो, और वो खुद भी बड़े मायूस हुए। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ही एक इस्लामिक मुआशरा होगा। उनके हजारों की तादाद में दुनिया में लोग एवरी डे सर्कुलेट होते हैं आपकी एकेडमिया में, यूनिवर्सिटीज में, उनको कोई नहीं बुलाता पाकिस्तान में, और कोई बुलाए भी तो उनको पत्थर मारते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेट्स वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसे पाकिस्तान का सोशल मीडिया काफ़ी उबला पड़ा है और पाकिस्तानी काफ़ी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक उसके अकॉर्डिंग जो इस्लाम का सच्चा तरीका है वो पाकिस्तानियों के सामने पेश कर रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। जिसको देख करके कई बार यह ख्याल भी आता है कि क्या पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे उबले पड़े हैं, क्या वो सच में वो लिबरल हैं, क्या सच में वो दूसरे धर्मों को भी उतनी इज्जत देते हैं? तो जी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी धर्म के नाम पे कितने कट्टर हैं और यहीं से दुनिया के अंदर आतंकवाद का भी फैलावा होता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों को उबाल दिख रहा है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कट्टर पाकिस्तानी इस्लामी देश के अंदर उससे भी बड़ा कट्टर इस्लामिक प्रीचर यानी डॉक्टर जाकिर नाइक पहुंचा है, और जो अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो बातें बता रहा है वो पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपनी सुविधा के लिए पाकिस्तानियों ने अपने आप को एडजस्ट किया है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक उनसे जाकर के न सिर्फ पाकिस्तानियों की रहन सहन पे भी सवाल उठा रहा है, बल्कि उनसे टेक्नोलॉजी पे भी ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि यूट्यूब से कमाई हराम है, जिससे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। सर, पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात करना चाह रहा है, हम चाह रहे हैं ट्रेड भी ओपन हो जाए, कई तरह की चीजें हम चाहते हैं कि भारत के साथ करें, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों को भी बुलाते हैं जिन्हें भारत पसंद नहीं करता, जो भागे हुए केसेस चल रहे हैं। तो नायक साहब का इस स्टेज पे बुलाया जाना बड़ा बड़ा दिलचस्प है। उनका मतलब शायद ये हो हमारी स्टेट का कि ये जो इमरान खान वाला मसला है ना, इससे तवज्जो हटाई जाए। तो उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे, सोशल मीडिया में इधर उधर हर जगह पे जाकिर नाइक का जिक्र हो रहा है, इमरान खान का उतना जिक्र सोशल मीडिया पे शायद नहीं हो रहा। लेकिन सर, एक कंट्रोवर्शियल फिगर को सिर्फ इसलिए बुला लेना जिसको के भारत में पसंद नहीं किया जाता, जब एक तरफ हम भारत से बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जाकिर नाइक को बुला लेते हैं, यही हमारा एक तरीका रह गया टेंशन इमरान खान से डाइवर्ट कराने का, तो इसका तो मतलब है कि फिर हम दोस्ती ही कर ले फिर वो इमरान खान से। नहीं, वो जो है ना उसमें देखिए कि जाकिर नाइक साहब वो तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए हैं उनका जो विजिट है। एक आज से दो महीने पहले अगर आप सर्वे करते हैं कि कितने लोग जाकिर नाइक साहब के एडमायरर्स हैं, तो अब अगर सर्वे करें तो उनकी तादाद में बहुत ज्यादा कमी हो चुकी होगी। उस वक्त अगर 20% होंगे तो अब शायद 4% 5% से ज्यादा ना हो। सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ इतने ज्यादा लोग जो हैं, जो न्यूट्रल लोग भी थे, वो भी अब जाकिर नाइक के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और उनको शायद अंदाजा नहीं था कि जाकिर नाइक साहब के आइडियाज कितने एक्सट्रीम हैं, कितना पुअर रिस्पॉन्स होता है उनका। वो अपने क्वेश्चनर को दबाने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि समझाने की कोशिश करें। तो शायद यही फर्क है जो एक स्कॉलर में और एक डिबेटर में होता है। स्कॉलर जो है वो दूसरे का नुक्ता नजर समझने की कोशिश करता है और उसमें एरोगेंस नहीं होती। तो जाकिर नाइक साहब के जो जवाब होते हैं उनमें काफी एरोगेंस आपको नजर आती है, और वो जो कहते हैं ना मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, स्कॉलर वाली डेप्थ जो है ना वो उनमें नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि काफी एक्सपोज हुए वो, और वो खुद भी बड़े मायूस हुए। वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान बहुत ही एक इस्लामिक मुआशरा होगा, उनके जिस तरह का इमेज इस्लाम का उनका है।
तो उससे फिर अंदाजा होता है ना कि इनका जो इमेज है, इनका जो तसव्वुर इस्लाम है, फहम इस्लाम है, वो कितना नैरो है। तो उनसे मैंने कहा जी आपका हक है, इंडोर्स करें, लेकिन गौर कर लिया करें कि उस बंदे के ख्यालात क्या हैं और इस तरह के जो ख्यालात हैं उस कितने काबिल अमल हैं आज के दौर में, इस पर सिर्फ जायजा ले लें, बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी करें। तो अब देखिए, एक उनका बयान था कि अगर 112 साल का बंदा हो तो मेरी बेटी अगर 13 साल की है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा उसकी शादी उससे करने पे, अगर वो बंदा वर्चुअस है, यानी नेक है, परहेजगार है और मेरी बेटी को जन्नत ले जा सकता है। यानी जन्नत के साथ ऑब्सेशन देखिए कि उसकी जिंदगी आप जहन्नम बना दें, तो उसके दादा की उम्र से भी बड़े बंदे से उसकी शादी करवा दें, उस पर उनको कोई एतराज नहीं है। और ये देखिए कि खामखा की कंट्रोवर्सी करने वाली ये बात है, भाई क्या जरूरत है आपको इस तरह की बातें करने की। बहरहाल उनको शायद मजा आता है इस तरह की बातें करके, कंट्रोवर्शियल होने में भी तो मशहूरी हो जाती है ना आपकी। सर ये लाहौर में है और लाहौर में सुना गया है कि इन्होंने अपनी मजीद सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा है, इनको सिक्योरिटी ज्यादा दी जा रही है, तो इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि जिंदा रह के जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में तो तभी जाएंगे ना, जो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जन्नत जाना ज्यादा आसान है बनिस्बत अमेरिका से, ये स्टेटमेंट भी इनकी आई है। जी वो ये भी कहते हैं कि मेरी दुआ है कि मुझे शहादत की मौत मिले, उनका पक्का ईमान है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। तो फिर वो सिक्योरिटी बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं, क्या खतरा उनको दरपेश है, किसने उनको धमकी दे दी है कि जिसकी वजह से उनको सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत पेश आ रही है, इसकी वजाहत उनको करनी चाहिए। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है, क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करते हैं कि कौम पर तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें। वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान वो लेने क्या है? पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है। भाई आपके अपने अंदर ये मसला है, ये फीमेल्स का मसला नहीं है, ये आपके अंदर का मसला है कि आप उनको देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या किस तरफ जा रहे हो, आपका माइंडसेट है, आपका मसला है। इसको सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी समझना बंद करें, ठीक है? मैं उसके बाद इसको कौम की प्रॉपर्टी समझना बंद करें। शी इज अ ह्यूमन बीइंग। भाई जैसे तुम फर्द हो ना, वैसे मैं फर्द हूँ। जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे मैं सांस लेती हूँ। जैसे तुम्हें भूख लगती है, वैसे मुझे भूख लगती है। आप सब लोग इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दें उस औरत को जो रिश्ते हलाल कमाने घर से निकलती है या तालीम हासिल करने घर से निकलती है। मुझे बताएं, औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आपके सामने इधर आके? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? बेटा आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें। या जिसके घर में कोई मर्द नहीं है या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? घर बैठे क्या करे? तो वो भी तो काम है ना सर। तो फिर आप इस हक में तो हुए कि औरत काम करे, ठीक है? नहीं, या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की जितनी भी हवातीन है चुप करके घर बैठ जाए, हम इनके घर में जो भी इनकी जरूरियात है वो पूरी।